जिन और उनकी दुनिया के अनसुने रहस्य। दोस्तों, आपने भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने जिन और जन्नात की डरावनी दुनिया के बारे में सुना है? क्या कभी आपने उनको करीब से जानने की कोशिश की है? बता दें, उनकी इस खतरनाक दुनिया के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक कभी सामने नहीं आ पाए। सबसे पहले आपको बता दें, जिन एक अरबी शब्द है और अरब से ही आया है, क्योंकि जिनों का एहसास सबसे पहले अरबी देशों से ही हुआ था। इनका अस्तित्व हवाओं में है। वहीं इंसान मरने के बाद जिन बन जाता है और अपनी बाकी इच्छा को पूरी करने के 1000 से लेकर 8000 साल बाद दुनिया से जाते हैं। दोस्तों, जिन एक काल्पनिक रूप में जादुई शक्तियों से पूर्ण इंसानों का नाम है। वह गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी जगह अपनी इच्छा से पहुंच सकते हैं और किसी भी चीज को अपनी इच्छा से पा सकते हैं। कई लोग जिन को सिद्ध कर उनसे मनचाहा काम करवाने की मंशा रखते हैं और जिन को सिद्ध करने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि पूरी नियत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक है। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। वहीं जिन की दुनिया को और करीब से समझने के लिए इनको श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के जिन अलग अलग शक्तियों को रखते हैं और अपनी शक्तियों के बल पर इंसानों के नाक में दम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है इफ्रित जिन। इफ्रित जिन और उनकी दुनिया का रहस्य इंसानी दुनिया की ही तरह है। इंसानी दुनिया जैसी ही इफ्रित जिनों की भी दुनिया होती है, जिसमें औरत और आदमी दोनों इफ्रित साथ रहते हैं। और तो और, जिन्नात इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं। वो बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफ्रित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक भी साबित हो सकता है। वहीं दूसरा जिन है सिला। इस जिन की श्रेणी में सिर्फ महिला ही होती है। सिला काफी आकर्षक और खूबसूरत होती है। ये इंसानों से दूर इंसानी दुनिया में रहती है। सिला को ज्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती है। इसके बाद आता है घूल का नाम। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत बेहद खौफनाक होती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहती है। वहां रहने से उनकी शक्तियां तेजी से बढ़ती भी है। ये क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसीलिए इंसानों के लिए यह बहुत खतरनाक होते हैं। वहीं चौथी श्रेणी वेताल जिन की होती है। ये जिन इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन्नातों की प्रजाति इंसानों के साथ मिलकर काम करती है, उनकी मदद करती है और बदले में कुछ ना कुछ भेंट भी पाती है। दोस्तों, विक्रम वेताल की कहानियों में इसी वेताल का जिक्र था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। वेताल जिन के अलावा मुवक्किल के बारे में भी सुनने में आता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें सिद्ध करने वाले व्यक्ति की रक्षा ये जिन करते हैं और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में भी जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि जिन को हक है कि वो इंसानी दुनिया में दखल अंदाजी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। जिन्नात से इंसान डरते हैं, मगर इससे ठीक उल्टा वो मानवीय आवासों से दूर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमें सुनसान जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जिन्नात भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरना, पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो अपने असली रूप में बहुत कम देखते हैं। ज्यादातर वो मानवीय शक्ल इख्तियार करते हैं। इंसानी वजूद मिट जाएगा, मगर जिन्नात कायनात के दिन तक अस्तित्व में रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, जिन इंसानों के शरीर पर कई तरह से कब्जा कर सकते हैं और इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर अगर इंसान के पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है तो उसकी बोली से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह कई तरह से अजीब तरह का बर्ताव करने लग जाती है, जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि बॉडी पर जिन का कब्जा हो चुका है। जैसे कि वह इंसान अपने नाम को पहचानना बंद कर देता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जिन बॉडी के एक हिस्सों पर कब्जा कर सकता है और वह उसी एक हिस्से को काफी प्रभावित करता है। जैसे कि पैर के अंदर कब्जा करने पर पैरों में दर्द हो सकता है, सिर से करने पर सिर में दर्द हो सकता है। इसी तरह से ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि जिन और जन्नात की दुनिया कितनी डरावनी होती है। अगर आपने भी कभी कोई अलौकिक ताकत को महसूस किया है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं।